नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद। आज की ताज़ा व बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। 17 फरवरी से शिक्षकों की स्ट्राइक, सरकार में मची खलबली। नियोजित शिक्षकों के हड़ताल को लेकर शिक्षा मंत्री का आया फिर एक नया बड़ा बयान। वार्ता को लेकर दिया बड़ा बयान। शिक्षक नेताओं का कहना है अब वार्ता का समय निकला। कहा सरकार को कुछ करना है तो हमारी मांगे पूरी करे। चुनावी वर्ष में नियोजित शिक्षकों के हड़ताल को लेकर सरकार में बढ़ी बेचैनी। आइए देखते हैं जी बिहार झारखंड टीवी चैनल की एक खास रिपोर्ट। फरवरी से शिक्षक हड़ताल पर जाने वाले हैं और इसे लेकर समाज में, सरकार में खलबली मच गई है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा है कि शिक्षकों की हड़ताल का फैसला गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि अभी मैट्रिक की परीक्षा होनी है जिस पर हड़ताल का असर पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि अगर कोई समस्या है तो बैठकर बात करनी चाहिए। कृष्णनंदन वर्मा ने चेतावनी दी कि अगर शिक्षक हड़ताल पर जाते हैं तो अभिभावकों का समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। अगर हड़ताल होती है तो सरकार वैकल्पिक इंतजाम करेगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से हड़ताल के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। संघ के लोगों ने सूचना दी है और हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे समय में जब मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है, 15 लाख से ऊपर लड़के उसमें अपीयर हो रहे हैं और ऐसे समय में हड़ताल की सूचना देना या हड़ताल पर जाने का निर्णय करना बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है। हमको अपने शिक्षकों पर भरोसा है, वो कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे राज्य के लाखों छात्रों का भविष्य पर उसका असर पड़े, गलत असर पड़े। लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षक हमारे हैं और हम लोग, कोई समस्या है तो बैठ करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे।